आज अंबिकापुर शहर में अचानक बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। इतनी भीड़ देखने को मिली कि लोग पैदल भी नहीं जा पा रहे थे। और आज इस भीड़ का मुख्य कारण क्या है, आखिर इतनी ट्रैफिक में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, उसकी जानकारी के लिए जो भी ट्रैफिक के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो हमारे साथ हैं और आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कारण है और क्या क्या इनकी तैयारियाँ रहीं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयराम चर्माको है, यातायात प्रभारी अंबिकापुर। जी सर, क्या कारण रहा आज अचानक इतनी भीड़ कैसे उमड़ गई? आज महिला पर्यवेक्षक का परीक्षा होना था, इसलिए ये जिला मुख्यालय होने के नाते यहाँ सभी जिले से दूर दराज से यहाँ सभी परीक्षार्थी आना था। सवेरे 9 से 12 बजे का उनका एग्जाम होना था, तो इसके लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ था। इसलिए हर जगह हम लोग ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त कर चुके थे और हर परीक्षार्थी को आने के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने यातायात व्यवस्था बना चुके थे। तो क्या कारण रहा कि आपको अपना ऑफिस छोड़ के, और मैं देख रहा हूँ कि जो अंबिकापुर का प्रतिष्ठित गांधी चौक है वहाँ पे आप इस वक्त खड़े हैं और बड़े अच्छे से लोगों को गाइड कर रहे हैं और किस तरह से ट्रैफिक का पालन कर रहे हैं, उसका मेन कारण क्या रहा? इसलिए मुझे आना पड़ा कि हर परीक्षार्थी को अपना परीक्षा देने पाएँ और अपने परीक्षा केंद्र पहुँच पाएँ, इसके लिए खुद यहाँ मैंने मोर्चा संभालने के लिए खुद यहाँ आ गए। तो जैसे सर मैं आपसे बताऊं कि अभी मान लीजिए तो पहली पाली की हो गई है, अभी दूसरी पाली भी शुरू होगी, तो उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं हुई हैं जो भी हमारे चौक हैं अंबिकापुर के शहर में? जैसे सवेरे हुआ था वैसे ही हर चौक चौराहे हम लोगों ने यातायात व्यवस्था का अतिरिक्त बल हमने लगा चुका है, कोई आने जाने के लिए कोई दिक्कत होगी नहीं है। तो सर क्या लगता है कि इस तरह की व्यवस्थाओं से लोगों को फायदा होगा, हो रहा है क्या लगता है? निश्चित ही हर परीक्षार्थी अपना एग्जाम देने पहुँच गया तो निश्चित ही रूप से उनको फायदा हो रहा है। थैंक यू सर, आप हमसे बात किए। थैंक यू। तो अभी मैंने जयराम चर्मा को सर से बात किया और किस तरह से बताए कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल के महिला बाल विकास के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम था वो दो पालियों में है, सुबह की पाली खत्म हो गई है और शाम की पाली शुरू होगी, और उसकी व्यवस्था के लिए जो भी चौक चौराहे हैं अंबिकापुर में जहाँ पर की ज़्यादा भीड़ एकत्रित हो जाती है वहाँ पर इन्होंने अतिरिक्त जो भी ट्रैफिक के जो कर्मचारी हैं उनको वहाँ पर लगाए हैं ताकि भीड़ को नियंत्रण में रखा जा सके। और अभी काफ़ी हद तक आप देख पाएंगे यहाँ पे कि भीड़ का नियंत्रण हो चुका है, और अभी जो दूसरे पाली में एग्ज़ाम है जो लग रहा है कि शाम को ज़्यादा भीड़ होगी उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है। तो उम्मीद है कि आज का जो दिन है जो भी बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं या जो बहनें आ रही हैं वो अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। कैमरामैन एपी के साथ मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। इसी तरह की न्यूज़ के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और बताइए कि हम और किस तरह से बेहतर आपके सामने आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।